इंदिरा एकादशी का व्रत कथा सुनने से पितरों को मिलता है मोक्ष। जी हाँ दोस्तों, आश्विन मास के श्राद्ध पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत करने से पितर दूर होते हैं तथा यह एकादशी पितरों को अधोगति से मुक्ति और मोक्ष दिलाने वाली मानी गई है। इस कथा को के सुनने से ही मात्र से ज्ञान का फल मिलता है। या पढ़े इंद्रियर एकादशी व्रत का पौराणिक एवं पारमाणिक कथा। प्राचीन काल में सतयुग के समय महिषामती नाम के एक नागरिक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापति राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से हर्षिक नगर उत्तरकार उसी की सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन व अर्घ दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक है तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म और तुम्हारा मन विष्णु भक्त में तो रहता है। देवी वार्षिक नारद की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यह यज्ञ कर्म दी सुकृत होकर रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वह श्रद्धा श्राद्ध पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्वन धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा को तुम्हारे पिता को एकादशी व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेह दिया सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म के कोई विधान जो जाने के कारण मैं यमराज के निकट यह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंद्रिय एकादशी का व्रत में मेरे नियमित करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत को विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के दशमी के दिन प्रातः काल श्राद्ध पूर्वक स्नान दी के निवृत्त होकर पूर्ण दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें, फिर श्राद्ध पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दंतुन आदि करके स्नान करें, फिर व्रत का नियमों का भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें, मैं आज संपूर्ण भोग को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीक काच, मैं आपकी शरण हूँ, मैं आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग ब्राह्मणों को फलहार का भोजन कराए और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सुंघर कर गौ को दे तथा धूप दीपक गंध पुष्पक नैवेद्य आदि सब सामग्री ऋषिकेश भगवान को पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं स्त्री और पुत्र सहित आप मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि
हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्या रहते हो होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अत्यंत धैर्य हो गए। नारद जी के कथा अनुसार राजा दरबार द्वारा अपने बंधुओं तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश के पुष्प वर्ष हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कटा राज करके अंत में अपने पुत्रों का हिंसान पर बैठकर स्वर्ग लोक को गया। या युधिष्ठिर या इंद्र एकादशी के व्रत को महात्माएं, मैंने तुमसे कहा इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, इस व्रत को पितृदोष दूर होते हैं तथा पितृदोष से भी मुक्ति भी मिलती है और पितृमोक्ष की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो से क्या सीख मिली? हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।